पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में एक दिन पहले छात्रा से दिन दहाड़े हुई लूट का खुलासा करते हुए पुलिस ने आज एक आरोपी को पकड़ लिया और उसे जेल भेज दिया। जानकारी के मुताबिक बीएड प्रथम वर्ष की छात्रा से गत दिनों छेड़खानी की गई थी। वारदात का विरोध करने पर छात्रा पर चाकू से हमला कर जख्मी कर दिया गया था। लुटेरे ने छात्रा का मोबाइल भी लूट लिया था। छात्रा ने साहस का परिचय देते हुए लुटेरे से भिड़ गई थी और उसे दबोच भी लिया था। छात्रा ने दांतों से लुटेरे की हाथों की उंगलियां भी काट कर जख्मी कर दिया था। सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद लुटेरा फरार हो गया था। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने लुटेरे की तलाश की और 24 घंटे बाद पुलिस को कामयाबी हाथ लगी, जिसके बाद उसे पकड़कर जेल भेज दिया। दरअसल मामला है जनपद मुरादाबाद के पागबड़ा थाना क्षेत्र का। IFTM यूनिवर्सिटी में बीएड प्रथम वर्ष की छात्रा कॉलेज से परीक्षा देकर घर लौट रही थी। छात्रा के साथ की सहेलियां भी परीक्षा देकर लौट रही थी। उसके साथ की सहेलियां कुछ आगे चल रही थी। मोबाइल काफी पीछे लिंक मार्ग पर आरोपी अचानक छात्रा के पास आधमका। उसने छात्रा के साथ छेड़खानी की और झपट्टा मार कर मोबाइल छीन लिया। वारदात का विरोध करते हुए साहसी छात्रा लुटेरे से भिड़ गई। उसने दांतों से लुटेरे की अंगुलियों को काटकर जख्मी कर दिया। शोर शराबा सुनकर सहेलियां भी छात्रा के पास पहुंच गईं। लुटेरे ने खुद को घिरा देख छात्रा के चेहरे पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में वो घायल हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद लुटेरा मोबाइल लूट कर भाग गया था। घटना की सूचना मिलने पर ग्रामीण मौके पर पहुंच गए थे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और छात्राओं से पूछताछ कर लुटेरे की तलाश शुरू कर दी थी। 24 घंटे में आरोपी को पकड़कर पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। मैं कॉलेज से जा रही थी, ये लड़का वहीं पे खड़ा था और मैं मोबाइल चलाती जा रही थी और ये इनने पीछे से आकर अटैक किया मेरे पे और मोबाइल छीनने की कोशिश की। इसने दोनों छीना, जब टेबल जमीन पे गिर गया मोबाइल और उसने मेरे चाकू, मैंने जैसे मोबाइल नहीं दिया तो इसने मेरे चाकू से हमला कर दिया, फिर भाग गया वो लेके मोबाइल जैसे। तो क्या था, ऐसा क्यों करा, मुझे नहीं पता। मतलब पहले से ही परेशान करता था? नहीं, मैंने तो उसे देखा भी नहीं था। एक दिन पहले दिनांक 16 बारह को एक घटना थाना पागवाड़ा क्षेत्र में, ये गांव है धनुपुरा, उसके रास्ते पर एक लड़की जो IFTM में पढ़ती थी, वहां से अपने घर जब वापस आ रही थी तो किसी व्यक्ति के द्वारा उसके साथ उसके ऊपर एक हमला किया गया और उसका मोबाइल भी साथ में लड़का लेके भाग गया था। महिला लड़की इंजर्ड थी, तत्काल उसका उपचार कराया गया, मेडिकल करा के उसका एक अभियोग पंजीकृत कराया गया कि उसके ऊपर एक अज्ञात व्यक्ति ने हमला किया है, किस आशय से किया था उस समय तक स्पष्ट नहीं था कि ये छेड़छाड़ का मामला है या लूट का मामला है, लेकिन मोबाइल उसके घर ले जाया गया था। गहराई से छानबीन की गई इसकी, तत्काल पुलिस उसमें सक्रिय हुई, थाना पागवाड़ा की टीम, और उसने प्रयास के द्वारा, सघन प्रयास के द्वारा 24 घंटे में इस घटना का अनावरण हुआ है। एक लड़का जिसका नाम मोहित है, जो अगस्त माह में थाना मझोला से एक स्नैचिंग में जेल गया था, जो पास ही गाँव है एक लोधीपुर, वहाँ का रहने वाला है ये, मोहित नाम है इसका, मोहित सन ऑफ वीर सिंह। इसके ऊपर कुछ पहले स्नैचिंग लूट के मुकदमे हैं, उसमें जेल गया था, इसको पकड़ा गया, इससे पूछताछ हुई है तो इसने घटना को कबूल किया है और इसका कहना है कि ये उस लड़की के पीछे पीछे आया था, इसका उद्देश्य था कि उसे मोबाइल छीन के भाग जाए, लेकिन लड़की ने उसका विरोध किया, इसने अपने चेहरे पर एक मफलर बांधा हुआ था, इस पर सफ़ेद और काली पट्टी थी, उस लड़की ने इसका मफलर पकड़ लिया तो उसकी स्थान में फिर इसने उसे चाकू पर प्रहार किया उसका, उसने लड़की ने इसकी उंगली में इसके दांत से काटा भी था, तो इसके अभियुक्त के हाथ पर वो ब्लेड के कट के निशान और टीथ बाइट जैसे चिन्ह भी हैं। इस घटना का अनावरण किया गया है, जो लड़की का मोबाइल ले जाया गया था वो बरामद हुआ है, जिस चाकू से इस व्यक्ति ने हमला किया था वो चाकू भी बरामद हुआ है, और इस प्रकार की घटना का सफल अनावरण
हमारी पाक बॉर्डर टीम ने किया है और सराहनीय कार्य के लिए उनको वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से इनाम भी दिया जा रहा है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।